दुर्ग पुलिस की पहल से हम सभी को मिलकर नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाकर इस अभियान को सफल बनाने एक युद्ध नशे के विरुद्ध आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने सभी को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। एक युद्ध नशे के विरुद्ध संकल्प जागरूकता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ दुर्ग के नगर निगम सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा संकल्प जागरूकता अभियान पोस्टर का विमोचन भी किया गया। वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि नशे को जड़ से मिटाने के लिए हम सबको एक होकर कार्य करना होगा। आपके आसपास ऐसे कर रहे हैं उनको शाबाशी दीजिए। जिस दिन आप छोड़ोगे, आपका परिवार का, आपका छोटा भाई छोड़ेगा, आपका बच्चा है अगर वो उस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो छोड़ेगा। युद्ध के लिए जो नशे के विरुद्ध है उन्होंने संकल्प लिया है, वो चाहते हैं आप भी संकल्प लें। आप अपने बच्चों को रोके, नशा कर नशा नहीं करती थी, आज पार्टियों में ड्रिंक्स ले रही है, एक सभ्य समाज का इसको हिस्सा बनाया जा रहा है। जो एक बुराई थी हमारे भारतीय समाज में, उसको आज हम लोग अपनी संस्कृति वैसे मैं होता नहीं ज्यादा था, तो सभी का मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और अपनी गलती के लिए दोबारा मैं कोशिश करूँगा कि हमें से टाइम दे रहा हूँ। यहाँ मंच पे मेरे साथ मेरे सभी साथीगण, चाहे वो अरविंद दिलका जी हों, सुखनंदन हो, कल्याणी के हों, समाज कल्याण विभाग और महिला बाल विकास विभाग से लेके नगर निगम कमिश्नर और मेरी सभी लोग और मेरे सामने बैठे सभी दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के कारण होने वाले अपराधों एवं सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए एक युद्ध नशे के विरुद्ध संकल्प जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग पुलिस के सभी अधिकारी, नगर निगम, समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र सहित अन्य अधिकारीगण तथा ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारी व चालक परिचालक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बताना चाहेंगे कि दुर्ग पुलिस द्वारा एक युद्ध नशे के विरुद्ध संकल्प जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है, जो कि नशे के कारण होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं नशे के कारण हमें क्या नुकसान हो सकता है, इस पर नियंत्रण कैसे रखें, इस हेतु और दुर्ग जिले को नशा मुक्त करने हेतु भी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने अपने उद्बोधन में कहा कि दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे इस संकल्प जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा, जिसमें प्रशासन, समाज एवं संस्थाओं की भी अपनी अपनी भागीदारी होगी, तभी हम दुर्ग जिले को नशे से मुक्त जिला बना सकते हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे समाज का निर्माण करके दें, ताकि भविष्य में वे इस सामाजिक बुराइयों से दूर रहें। नशा जो अभी सोसाइटी में एक प्रमुख कारण बना हुआ है कई सारी समस्याओं का, खासकर पुलिस के लिए तो अपराध के जनन में ये एक प्रमुख कारण हमेशा बना रहता है, दिखता रहता है। साथ ही साथ बहुत सारी इसके साथ सामाजिक बुराइयां और चीज़ें आती हैं, तो उससे रिलेटेड ही हमने एक अभियान शुरू किया है नशे के विरुद्ध, जिसको संकल्प नाम दिया है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। और हमारी प्रयास है कि हम 26 जनवरी तक इस अभियान को हर घर तक ले जाएं और हर घर के आसपास का एरिया जो है उसको नशे से दूर कर सकें। जागरूकता के माध्यम से जो लोग सप्लाई करते हैं, पैडलर्स हैं, उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाइयों से, और जो अफेक्टेड हैं, एडिक्टेड हैं इससे, उनको नशा मुक्ति केंद्रों में उनका इलाज करा के, उनको मूल धारा में वापस ला के, वो परिवर्तन दिखा के कि कैसे नशा छोड़ने के बाद ज़िंदगी और खूबसूरत रहती है, दिखती है। तो वो प्रयास है हमारा, और इसके जो अभी उसी के तहत आज ये आयोजन किया गया था, और मीडिया से भी मेरा अनुरोध है कि ये प्रयास, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बोला कि पुलिस का नहीं है, सभी का है, आपका भी है, आप भी वो एरिया, वो जगह टच करें जहाँ पे ऐसी चीज़ें, समस्याएं दिख रही हो, वो हमारे संज्ञान में ले आएँ, हम आपके माध्यम से भी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और अपने दुर्ग को नशा मुक्त करने में हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, और कोशिश है कि हम इसमें अगले छः महीने में सार्थक परिणाम दे पाएंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्र में चला जा रहा है, ऐसा ही थाना क्षेत्रों में भी हर गांव वाइज, जहां पे भी, मतलब जैसे एक थानों में
30 गांव, 40 गांव, 50 गांव आ रहे हैं, तो उनको गांव वाइज हफ्ते में 2 गांव टारगेट देके मतलब करेंगे, और 6 महीने 7 महीने के अंदर करीब जैसे एक हफ्ते में 1 महीने में करीब 8-10 गांव हो गए, तो 6 महीने में 60-70 गांव करके, तो सभी थानों में करीब 50-60 गांव के आसपास है, हम सभी गांव को टच करेंगे। तो प्रयास है कि हम इसको सभी गांव तक ले जाएं। दुर्ग शहर और दुर्ग जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए आज एक समेकित रूप से आम जनता के कार्यक्रम को इसको समेकित रूप में सहभागिता बनाते हुए एक संकल्प एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और जिसमें सभी प्रबुद्ध जनों को बुलाया गया था, और इसको सामाजिक रूप के से इसको लड़ने की तैयारी है, स्वयं से इसको शुरू करके अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प लेने के लिए एक शपथ भी दिलाया गया है, और दुर्ग शहर को दुर्ग जिले को नशे मुक्त बनाने के लिए इस संकल्प में हम सब सहभागी बनने जा रहे हैं, और सबकी साझेदारी इसमें बनाने के लिए हम जिला प्रशासन की ओर से अपील करते हैं कि सभी वर्ग इसमें जुड़कर दुर्ग जिले को नशा मुक्त बनाए। धन्यवाद। दुर्ग शहर में युवाओं को अभी जो नशे में देखा जा रहा है, सामाजिक में कुरीतियां बढ़ रही हैं, सभी प्रकार के अपराधों के पीछे नशा को ही मूल जड़ पाया जा रहा है, इसमें माता पिताओं को भी घरों से निकालने की बात हो रही है, और वृद्धाश्रम की भी आवश्यकता पड़ रही है, तो बहुत तरीके से इसके सामाजिक दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं, इस कारण जो है इस अभियान की जरूरत पड़ रही है, और ये प्रशासन का अभियान नहीं है, सबकी सहभागिता से ये दुर्ग जिले को नशा मुक्त बनाने का अभियान। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।